और देख सकते हैं नियो किस तरीके से देख रहा है इसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे फिशेस डॉग फूड कैसे खाती है, और खाती है भी कि नहीं, और उसने पसंद आता है कि नहीं। और हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी है आज, और वो है हमारा प्यारा नियो। तो ये है हमारा नियो, तो आज ही हमारे साथ पूरे वीडियो पे रहने वाला है, क्योंकि इसका खाना हमारे पास है आज, इस वजह से आज यहाँ पे खड़ा बैठा हुआ है। तो चलिए देखते हैं और हमारा आपको फूड दिखाते हैं जो हमारा नियो खाता है, वो कहाँ पे रखा हुआ है, अभी हम लाते हैं आपको दिखाते हैं। तो ये आ चुका है ड्रूल्स का फूड, देखिए इसके पीछे नियो बिल्कुल ही छुप चुका है और यहाँ बैठा हुआ है ताकि इसका फूड कोई खा ना ले करके। देख सकते हैं ये पूरा फूड भरा हुआ है, देख सकते हैं। ये हमने अमेज़ॉन से मंगाया हुआ था, तो देखिए नियो वहाँ खड़ा हुआ है और वो चाहता है कि मेरा फूड कोई ना खाए, देख सकते हैं, इस वजह से वो वहाँ बैठा हुआ है। तो चलिए हम इसे फूड देते हैं, हमने एक्स्ट्रा निकाल के रखा हुआ है, हम नियो को यही देते हैं। तो सबसे पहले ये आप पैलेट देखिए इसका, किस तरीके से ये पैलेट है। और इनके फूड और फिश फूड में काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं होता है, मैं आपको फिश फूड भी दिखाता हूँ वो कैसे दिखते हैं। अब वैसे आप सब ने देखा है, तो मेरे पास हिकारी है तो मैं आपको हिकारी ही दिखाऊँगा, आप दोनों के डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये है फूड, और चलिए हम थोड़ा सा फिशेस को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो करके हम इसे थोड़ा पानी में भिगा लेते हैं, जो डॉग फूड है। देखिए नियो को, हम नियो को देखते हैं कि ये कौन सा फूड खाता है। देखिए किस तरीके से खा रहा है। तो चलिए अभी से भिगा लेते हैं, उसके बाद देते हैं हम अपने फिशेस को। और देखिए नियो अपना फूड किसी को देना नहीं चाहता, चलिए हम भिगा लेते हैं। तो हमने वाटर ले आया है और हम थोड़े से जो पैलेट्स हैं चलिए इसमें डालते हैं, और हम इसे छोड़ते हैं अब 5 मिनट्स के लिए, क्योंकि हम इसमें वाटर डालेंगे तो ये जो हार्ड, आप देख सकते हैं ये जो पैलेट्स हैं इसके वो काफ़ी हार्ड हैं, तो ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं पानी में डालने के बाद, और थोड़े फूल जाते हैं, इसलिए हम ज़्यादा फूड भी नहीं देंगे और इतना ही फूड देंगे, और हम 5 मिनट्स के लिए छोड़ेंगे इसे और देखते हैं हमारी फिश इसे खाती है कि नहीं। और नियो बिल्कुल हमारे बगल में बैठ के देख रहे हैं कि हमारा फूड किसे दे रहा दिया जा रहा है। नियो कम, देखिए यह गुस्सा भी हो चुका है हमसे। तो चलिए इसे 5 मिनट्स के लिए छोड़ेंगे, और इसे सिर्फ हम अपने बड़े मॉन्स्टर टैंक को ही देंगे, क्योंकि हमारा मॉन्स्टर फिश है वो सब चीज़ खा लेता है, और हम फ्लावर हॉर्न में भी इसको टेस्ट नहीं करने वाले, सिर्फ हमारे ऑस्कर स्पैरोट और RTC अगर देखते हैं खाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खाती तो भी कोई बुरी बात नहीं है। और हम अपने छोटे एंजल फिशेस को बिल्कुल नहीं देने वाले, और फ्राइज को भी, क्योंकि ये थोड़े बड़े पैलेट्स हैं तो हम बस उसी को देने वाले। तो चलिए देखते हैं और नियो का रिएक्शन भी देखते हैं कि क्यों क्या करता है, और आपको आगे दिखाते हैं। देख सकते हैं ये 5 मिनट्स हो चुके हैं इसे, और देख सकते हैं नियो किस तरीके से देख रहा है इसे कि इसका खाना किसी और को ना दे दें करके। और ये अभी अभी ही दही खा के आया, देख सकते हैं। तो फिर भी हम चलिए देखते हैं, देखे हमारी फिशेस खाती है कि नहीं, हम पहले एक ट्राई करके देखेंगे, अगर ये खाती है तो अच्छी बात है। देख सकते हैं किस तरीके से ये खा ली सब फिशेस, लगता है बढ़िया ऑस्कर ने खाया इसे, और अभी तक तो सब अच्छा है। हम पूरा डाल के देखते हैं, हम वाटर साइड डाल देंगे क्योंकि वाटर भी इसी वो वहाँ का है टैंक का। अब देखिए किस तरीके से ये डॉग फूड खा रही है हमारी ऑस्कर फिशेस, हमारी बड़ी ऑस्कर छोटी ऑस्कर। हमारी छोटी ऑस्कर तो इतना सारा खा चुकी है, आप देख सकते हैं मेरा टैंक कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है।
और फिशेस हमारी डॉग फूड अच्छी तरीके से खा रही है, और बड़ी अस्कर तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरीके से खा रही है क्योंकि वो मॉन्स्टर फिश है। और टैंक हमारा बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है और आरटीसी इसे बिल्कुल नहीं खा रही है। हम देख सकते हैं आरटीसी सिर्फ मीट खाती है, तो आप देख सकते हैं कि हमारी फिशेस जो हमारी मॉन्स्टर फिशेस है वो डॉग फूड भी खा सकती है, लेकिन हम इसे डेली बिल्कुल नहीं देने वाले। हम आज ही बस इसे ट्राई करके देखे हैं और इसके बाद हम इसे नहीं देने वाले। और नियो आप यहाँ देख सकते हैं कैसा किस तरीके से बैठा है हमारा नियो, तो देख सकते हैं टैंक बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है और फूड भी ख़त्म हो चुका है और हम अभी इसे नहीं देने वाले कोई भी डॉग फूड। और अभी हम इसे खाना नहीं देंगे, हम इसे रात को खाना देंगे इनका पैलेट फूड, क्योंकि अभी हम डॉग फूड दे चुके हैं। और ये हमारी फ्लावर हॉर्न है, हम इसे बिल्कुल ट्राई नहीं करेंगे। देखिए कितनी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है, अभी बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब थी फ्लावर हॉर्न की, लेकिन अब ये बिल्कुल ही ठीक है, काफ़ी अच्छी तरीके से मूवमेंट कर रही है और हमने अभी तक इसका चेंज नहीं किया, हम बहुत जल्द चेंज करने वाले। तो आप सब देखिए फूड देने के बाद कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है पानी, इसका मतलब है कि हमारे जो फिशेस है डॉग फूड उतना पसंद नहीं किए, लेकिन कुछ खाए हैं हद तक, लेकिन काफ़ी सारा वेस्ट कर दिए हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आप डॉग फूड भी दे सकते हैं लेकिन आप ऐसा ना दें। तो आप सब देख सकते हैं कि इन्होंने डॉग फूड खा तो लिया है लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा कर लिया है। तो आप डॉग फूड देखिए नहीं हो किस तरीके से भौंक रहे, तो डॉग फूड आप ना दें, बिल्कुल ना दें। और एक दो बार के लिए ठीक है, लेकिन आप रोज़ रोज़ उसे बिल्कुल ना दें। देख सकते हैं वो कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है पानी, और भी कितना ज़्यादा क्लियर था और आपकी आंखों के सामने ही पूरा गंदा हो चुका है पानी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और हमारा नियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोस में नियो को भी लाऊं तो वो भी आप कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।